नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं दी अनबॉक्सर। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा बोट एडोप्स 131 की। ये TWS हैं बोट की तरफ से और अंडर 1500 हमें इजीली अवेलेबल हैं। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है ये और क्या क्या फीचर्स के साथ आता है। तो गाइस, ये है बोट एडोप्स 131 का बॉक्स पैक। ऊपर की तरफ हमारे पास कुछ की स्पेसिफिकेशंस मेंशनड है, जैसे कि IWP टेक्नोलॉजी है, इंस्टेंट वेकन पेयर टेक्नोलॉजी, और ये ब्लूटूथ 5 के साथ आता है और टाइप सी पोर्ट चार्जिंग करता है। बैक साइड पर भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, जैसे कि केस की बैटरी है 650 mAh, स्लिक डिज़ाइन है और 13 mm ड्राइवर्स हैं, साउंड ड्राइवर्स, ईजी मल्टी फंक्शनल कंट्रोल्स हैं और इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट भी है। और बोट एडोप्स 131 फ्रेंड्स iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों से ही सपोर्ट करता है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है ये। स्लाइड स्टाइल है बॉक्स और सबसे पहले हमारे पास है फ्रेंड्स ये बोट एडोप्स 131। इसको अभी साइड पर रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस छोटे से बॉक्स में फ्रेंड्स हमें ये टाइप सी डेटा केबल देखने को मिलती है, छोटी सी इसकी चार्जिंग के लिए। और फिर हमारे पास फ्रेंड्स है ये कुछ बुकलेट्स, दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास है ये बोट हेड का स्टिकर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है ये यूज़र मैनुअल एडोप्स 131 का, इसके फंक्शनिंग के बारे में जो कि मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास है ये FAQ कार्ड फ्रेंड्स बोट की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास हमेशा की तरह, जैसे मैंने पहले भी बोट के प्रोडक्ट्स अनबॉक्स किए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है बोट की इस बुकलेट में। उसके बाद फिर से एक FAQ कार्ड है, रीड बिफोर यू यूज़। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है ये 1 ईयर वारंटी का। सो फ्रेंड्स ये है बोट एडोप्स 131 का कैरी केस। इसी में हमें ईयरप्लग्स भी देखने को मिलेंगे हमारे, तो चलिए इसे अनरैप कर लेता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट लुक में ये प्लास्टिक बिल्ड है और शाइनी बिल्ड है, मैट फिनिश नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छी है शाइनी बिल्ड इसकी। और सामने की तरफ आई थिंक ये इंडिकेटर्स हैं, LED इंडिकेटर्स, बैटरी के लिए बोट का लोगो है। जी हाँ, ये LED इंडिकेटर्स ही हैं, देख पा रहे होंगे अभी आप। और नीचे की तरफ है इसका ये टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। और बाकी यहाँ इस तरह से ये खुल रहे हैं इजीली, काफ़ी स्नैपी है ये। और यहाँ पर है हमारे पास एडोप्स 131 और निकालते ही ये पेयरिंग मोड में आ गया है। ये भी निकालते ही पेयरिंग मोड में आ गया है, निकालते ही लाइट ब्लिंक कर रही है। ये काफ़ी लाइट वेट हैं, हैवी नहीं फील हो रहे हैं बिल्कुल भी। सो इनका वेट भी करके देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये क्लिकेबल बटन्स हैं, ये टच सेंसिटिव नहीं है, क्लिकेबल बटन्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे भी आवाज़। सो ये हैं इसके क्लिकेबल बटन्स दोनों। यहाँ पर बोट का लोगो है। नीचे की तरफ है यहाँ पर इसके चार्जिंग कनेक्टर्स दोनों के ही। और ये मेन चैम्बर है जहाँ से हमें साउंड सुनने को मिलेगी। और ओवरऑल शाइनी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसका वेट कर लेते हैं अभी हम। वेट करें तो यार केस का वेट है 32 grams, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी आप, 32 grams है। और सिंगल इन दोनों को वेट करके अगर हम देखें तो 8 grams हैं टोटल, 4 grams ईच है ईयरबड्स दोनों हमारे। और यार यहाँ पर इस जगह पर इसका ये माइक दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा होल है, यहीं पर इसका माइक भी है जहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर। और यार निकालने में भी ये काफ़ी इजी हैं, ऐसा नहीं है कि फंस रहे हैं और निकल नहीं रहे हैं, यहाँ से पकड़ के हम इजीली निकाल सकते हैं इनको, ये देखिए। और यार प्ले पॉज है हमारे पास नॉर्मल क्लिक पर, दोनों में से किसी पे भी हम क्लिक कर देंगे प्ले और पॉज हो जाएगा। और ये जो राइट साइड वाला है, राइट साइड वाले को हम डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग होगा, और लेफ्ट साइड वाले को डबल टैप करने पर प्रीवियस सॉन्ग होगा, देख सकते हैं आप अभी।
और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने पर 3 सेकंड्स के लिए गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप अभी। सो ये थी इसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी बोट एडॉप्ट 131 की। काफ़ी कॉम्पैक्ट है यार, ये छोटा सा केस है और लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा है, आपको मैंने वेट दिखाई दिया अभी। सो अच्छा लगा मुझे काफ़ी ये। तो यार ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए अब मैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि सुनने में कैसे हैं और पेयरिंग वगैरह में कैसे हैं। सो गाइस ये तो थी बोट एडॉप्ट 131 की अनबॉक्सिंग। चलिए इसके फीचर्स जानते हैं अब क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। सो यार सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक बिल्ड है यार ये, बट शाइनी है, अच्छी बिल्ड है। और यार म्यूज़िक कंट्रोल की बात करें तो सिंपल प्ले पॉज है इस बटन से, यहाँ पर दिए गए इस बटन से। किसी भी साइड के ईयरबड से आप प्रेस करेंगे सिंगल तो प्ले और पॉज हो जाएगा, और राइट साइड वाले को डबल टैप करेंगे तो प्रीवियस सॉन्ग होगा, राइट साइड वाले को डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग होगा। और दोनों में से किसी भी ईयरबड को आप 3 सेकंड्स के लिए टैप करके रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट या सिरी ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मिड्स एंड हाइज तो हमें अच्छे सुनने को मिलते हैं, और बास थोड़ा सा कम लगा मुझे सुनने में, धमाकेदार बास नहीं मिला मुझे सुनने को, जैसा कि बोट एयरडॉप्स 402 की जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी। आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना जाके, वो बहुत सही है उस प्राइस रेंज में। इससे 300-400 महंगे हैं बट वो ज़्यादा अच्छे हैं बास में भी। तो यार इसकी मिड्स एंड हाइज अच्छे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करना इसके साउंड क्वालिटी से बास, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। और जो बास लवर्स हैं उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नॉर्मल जो म्यूज़िक सुनने वाले हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड। और इसमें 650 mAh की बैटरी है केस के अंदर, जो कि 2 आवर्स में फुल चार्ज होती है। और ईच जो हमारे ईयरबड्स हैं ये वाले, इनके अंदर 40 mAh की बैटरी है ईच के अंदर, तो वो भी 1.5 घंटे में कंप्लीट फुल चार्ज हो जाते हैं। और यार अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो इस केस के साथ हमें 12 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, और सिंगल अगर मैं बात करूं इस बड की तो ये 3 घंटे का बैकअप हमें दे देता है। तो यार अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो IWP फीचर है, इंस्टेंट वेक एंड पेयर, जो कि एक बार पेयर करने के बाद अगर आप इसके लिड को इस तरह से ओपन करेंगे तो अपने आप फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए फ़ोन का, और ब्लूटूथ 5 के साथ आता है। और टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और इसमें यार 13 mm के ड्राइवर्स हैं, बट वो बात नहीं लगी मुझे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ठीक ठाक है बास, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और चार्जिंग रिकमेंडेड है इसके अंदर 5V 2A की, यानी कि 10W की चार्जिंग ही ये सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। कलर ऑप्शन यार इसमें हमें देखने को मिलते हैं ब्लू, पिंक और ये वाला ब्लैक। और अगर मैं यार इसकी ग्रिप की बात करूँ तो वट्स सो एवर ये कान से तो नहीं गिरेंगे मेरे हिसाब से, अच्छी ग्रिप है काफ़ी, अभी आप देख सकते हैं नहीं गिर रहे हैं बिल्कुल भी, अच्छी ग्रिप है। और फ्रेंड्स ये TWS iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के साथ ही कंपेटेबल है। और यार अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो इसमें मुझे लो लेटेंसी मोड देखने को नहीं मिला, सुनने को भी नहीं मिला कहीं, और इन ईयर डिटेक्शन भी ये सपोर्ट नहीं करते हैं, और ANC ENC भी हमें इसमें नहीं मिलता है। ANC ENC आप नहीं जानते हैं तो ये आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है ANC ENC के बारे में, जान ले वीडियो ज़रूर देख लेना। और फ्रेंड्स हमें इसमें कोई IP रेटिंग भी सुनने को या देखने को नहीं मिली, स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ भी नहीं है ये। फ्रेंड्स इन केस बोट एयरडॉप्स 131 को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछना। इन केस आप बोट एयरडॉप्स 131 को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप जाके वहाँ से चेक करके बाय कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।